वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 12 विस्तास बुक से जो चैप्टर नंबर 1 है, द थर्ड लेवल, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। सो, हो सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन ना मिले। ये दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे। वॉट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? जो थर्ड लेवल है एक्चुअली उसका मतलब क्या है? तो यहाँ थर्ड लेवल बताने से पहले मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहता हूँ। चिल्ड्रन, यहाँ पे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल की जो बात हुई है, अगर आपने दिल्ली मेट्रो या मेट्रो ट्रेवल किया हो तो आपने अंडरग्राउंड स्टेशन देखे होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया गया, तो उसको कहा जा रहा है थर्ड लेवल। ठीक है, एक लड़का था जिसका नाम चार्ली था, वो अपनी लाइफ से परेशान था और किसी भी तरह से उससे बचना चाहता था, एस्केप करना चाहता था। तो वो अपनी इमेजिनेशन में ये बना लेता है कि एक और ऐसा लेवल है जिससे मैं पास्ट में वापस जा सकता हूँ। इसी बात को अब हम लिख देंगे। देखो, क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे। अब देखो, थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे। अब सबवे क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। जिन लोगों ने मेट्रो से ट्रेवल किया है उन लोगों ने देखा भी होगा, अंडरग्राउंड बने रहते हैं, जमीन के नीचे। ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गेल्सबर्ग। तो थर्ड लेवल एक ऐसा सबवे है, एक ऐसा अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, किसका? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जो पैसेंजर्स को कहां ले जाता है? गेल्सबर्ग में जाए। आपने देखा होगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिलेगी आपको ट्रेन, अदरवाइज प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, 3 से। तो ऐसे ही ये जो थर्ड लेवल पे है, यहां से ट्रेन आपको कहां ले जाती है? गेल्सबर्ग में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपके हिसाब से क्या चार्ली कभी उस टिकट काउंटर पे जाएगा थर्ड लेवल के, जहां से उसे टिकट मिलेंगी गेल्सबर्ग की, जहां पे वो अपने लिए भी टिकट खरीदेगा और अपनी वाइफ के लिए भी। तो थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो ये चार्ली है, ये चार्ली की वाइफ है लुइजा। तो अब जो गेल्सबर्ग वगैरह है वो एक जगह थी जहां पे उसके दादाजी रहते थे, एक पीसफुल एरिया था, और ये जो है चार्ली अब एक ऐसी जगह पे रहता है जहां भागदौड़ भरी जिंदगी है। तो क्या आपके हिसाब से ये वहां जाएगा, ये वहां जाना चाहता है अपनी? तो ये इमेजिनेशन में चला जाता है, तो हम ये जो इमेजिनेशन है तो रियल तो है नहीं, तो हमारा आंसर है नो। अब देखो इस आंसर को कैसे लिखेंगे। नो, चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ नो के बाद और वाइफ तक लेके मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन से कॉपी किया है। देख रहे हो चिल्ड्रन किस तरह से आप एग्जाम में बिना याद किए क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, बिकॉज थर्ड लेवल वॉज हिज इमेजिनेशन, क्योंकि एक्चुअली थर्ड लेवल यानी जो थर्ड स्टेशन था वो था ही नहीं, वो तो केवल उसकी इमेजिनेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो आपको चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर भी समझ लोगे। सबसे पहले जो थर्ड लेवल था, क्या वो चार्ली के लिए एक मीडियम था एस्केप? एस्केप का मतलब होता है बचना। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। चिल्ड्रन, यहां मैंने आपको चार्ली दिखाया हुआ है। चार्ली अपनी लाइफ से बड़ा परेशान था, और जिस शहर में वो रहता था भीड़ भाड़ वाला इलाका था, किसी के पास टाइम नहीं था। ठीक है, और वो उस टाइम को याद करता था, इस एरिया को याद करता था जहां उसके ग्रैंडफादर रहते थे, जहां झील थी, पीसफुल थी, ग्रीनरी थी। अब वो कहीं ना कहीं उससे बचना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे दो नहीं, एक तीसरा लेवल भी है, यानी कि एक तीसरा स्टेशन भी है और जो उसे यहाँ पे ले जा सकता है। तो आंसर देखिए, देखो, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? तो पूरा का आंसर देखो, बस मैंने यस लिख दिया यहाँ पे, यस, यू की जगह आई थिंक द थर्ड लेवल वॉज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। पूरा का पूरा मैंने एक लाइन वहीं से उठाई है। ही वॉज लिविंग इन अ हाई फाई मॉडर्न सिटी। देखो, रह रहा था वो एक हाई फाई मॉडर्न सिटी में। लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस, जहां पे पूरी लाइफ मतलब उसे स्ट्रेस रहता था। ही यूज टू मिस द पीसफुल प्लेस वेयर हिज ग्रैंडफादर लिव। और ये जो दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, वो इस जगह को मिस करता था, कितना पीसफुल था, कितना शांति थी, कितनी ग्रीनरी थी, उस जगह को वो याद करता था। द थर्ड लेवल वॉज मियर हिज इमेजिनेशन। और ये जो थर्ड लेवल था
ये केवल उसकी कल्पना मात्र थी, इमेजिनेशन थी, ये कोई रियलिटी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी रियलिटी से बचना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो सैम का एक लेटर मिलता है चार्ली को, इससे आप सबसे पहले इन्फर का मतलब, इन्फर का मतलब होता है परिणाम निकलना, क्या कंक्लूजन निकालते हो। चिल्ड्रन ये लेटर है, ठीक है, दोबारा से देखो, कोई लेटर सैम का नहीं आया, कोई थर्ड लेवल नहीं था, वो अपनी इमेजिनेशन में इतना डूब गया है, इतना, अगर आपने कोई हॉलीवुड मूवी वगैरह देखी हो या बॉलीवुड मूवी वगैरह, कि वो उसे ऐसा लगता है कि वो टाइम ट्रेवल कर गया है, लेकिन वो टाइम ट्रेवल नहीं किया था। आंसर देखो, क्वेश्चन दोबारा देखो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। इन फैक्ट देयर वाज नो लेटर फ्रॉम सैम, एक्चुअली सचमुच में सैम की तरफ से कोई लेटर आया ही नहीं था। सैम वाज जस्ट अ वेरी गुड एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ चार्ली, सैम तो बस एक बहुत अच्छा दोस्त था चार्ली का। एज वी नो दैट चार्ली, अब देखो यहां से लेके और लास्ट तक मैंने पिछले क्वेश्चन से उठाया है, एज वी नो दैट चार्ली वॉज लिविंग इन अ हाईफाई मॉडर्न सिटी वेयर लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस। वो एक हाईफाई मॉडर्न सिटी में रह रहा था जहां उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था। ही यूज टू मिस द प्लेस वेयर हिज ग्रैंडफादर लिव्ड। अब देखो जिन बच्चों ने पिछला क्वेश्चन कर लिया है वो कहेंगे सर ये तो पूरी लाइन हुई है। यस, आपने एक क्वेश्चन किया और आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। तो वो उस लाइफ को मिस करता था जहां पे उसके ग्रैंडफादर रहते थे। इवन दिस लेटर वॉज अ मियर अ पार्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन, जैसे थर्ड लेवल उसकी इमेजिनेशन का पार्ट था, वैसे ही ये लेटर भी उसकी इमेजिनेशन का ही एक पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर, फियर, वरी एंड स्ट्रेस, वॉट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम। अब ये कह रहा है आज का जो संसार है इसमें इनसिक्योरिटी से हम भरे हुए रहते हैं, वॉर, लड़ाइयां चल रही हैं, फियर और वरी रहती है, स्ट्रेस रहता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो आज का इंसान इनसे बचने के लिए अपनाता है। ओवरकम का मतलब उनसे बचने के लिए, मतलब उनसे जीत। तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैंने आपको कुछ इमेजेस दिखाई हैं। तो हम लोग अपनी हार्श रियलिटी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, अगर हम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं, थोड़ा सा ब्रेक ले लें अपनी रेगुलर लाइफ से, तो हम बच सकते हैं स्ट्रेस से। अगर हम रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हैं, हम गहरी अगर नींद लें 7-8 घंटे की हर रोज, या बीच बीच में हम अपने काम को थोड़ा सा ब्रेक देके ट्रिप्स वगैरह पे जाएं, या हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम, जिस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं। तो आंसर देखें, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर, फियर, वरी एंड स्ट्रेस, ये पूरा मैंने क्वेश्चन से उठाया है। द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम आर एज फॉलोज, ये वो तरीके हैं। देखो पहला तरीका मैंने ये वाला लिख दिया, ए, ये वाला, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। चिल्ड्रन इससे आसान क्वेश्चन आंसर आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। वी ट्राई टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली एंड लव्ड वंस टू रिड्यूस स्ट्रेस, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ टाइम अपना फैमिली के साथ, जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उनके साथ, ताकि हमारा रिड्यूस, हमारा जो स्ट्रेस है कम हो। सम पीपल गो फॉर मेडिटेशन फॉर पीस, अभी मैंने दिखाया था, कुछ लोग क्या करते हैं भाई साहब मेडिटेशन के लिए जाते हैं, मेडिटेशन क्लासेस करते हैं या घर में ही करते हैं। साउंड स्लीप्स ऑल्सो हेल्प इन लीडिंग स्ट्रेस फ्री लाइफ, अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो आप गहरी नींद लीजिए, 7-8 घंटे की नींद लीजिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, और क्या, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम रेगुलर लाइफ एंड गोइंग ऑन ट्रिप्स, ठीक है, एक ब्रेक ले सकते हो आप रेगुलर लाइफ से, रेगुलर वर्क से, और ट्रिप्स में जा सकते हो ताकि आपकी एंग्जाइटी वगैरह कम हो। इसमें आप अपनी साइड से कुछ और भी पॉइंट्स लगा सकते हो। नेक्स्ट, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। अब सबसे पहले हमें यह समझना है इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, इंटरसेक्शन ऑफ टाइम यानी कि वो प्रेजेंट में रहते हुए भी पास्ट में चला जाता था अपनी इमेजिनेशन में, इसको बोलते हैं टाइम ट्रेवल। आपने कुछ मूवीज वगैरह देखी होंगी, वेब सीरीज भी देखी होगी, ठीक है, तो भाई उसको लगता क्या था कि वहां पे सचमुच में तो दो स्टेशन थे, लेकिन उसको लगा, अगर आपने हैरी पॉटर देखी है तो उसमें भी दिखाया गया थोड़ा सा, वो एक पिलर के अंदर जाते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको लगता था तीसरा है, प्लस उसको ऐसा लगता था टाइम ट्रेवल कि वो पुरानी करेंसी ले लेगा, जबकि पुरानी करेंसी उस टाइम पे बंद हो गई थी। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल देने हैं टाइम ट्रेवल के। तो पहला एग्जांपल तो देखो, यस वी सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, ये हमने क्वेश्चन में से ही बना दिया कि आप देखते हो। तो पहला एग्जांपल देखो, एट फर्स्ट वी सी दैट इन प्रेजेंट देयर वर ओनली टू लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट देयर वॉज थर्ड लेवल इन पास्ट। भाई सचमुच में तो हमने देखा कि प्रेजेंट में केवल दो ही लेवल थे,
लेकिन पास्ट में तीसरा लेवल भी था और वो वहीं पे चला जाता है इमेजिनेशन में। तो ये हो गया टाइम एंड स्पेस की इंटरसेक्शन। दूसरा, चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा लिव इन प्रेजेंट। चिल्ड्रन, वाइफ का नाम याद रखना, उसकी चार्ली की वाइफ का नाम था लुइजा, वो प्रेजेंट में रहते हैं। येट वी फाइंड दैट चार्ली रशेस टू गेट ओल्ड करेंसी टू बाई टू टिकट्स ऑफ गिल्बर्ट्स ऑफ 18। फिर भी हम ये देखते हैं कि चार्ली कहीं ना कहीं से ये चाहता था कि बस उसको कैसे ना कैसे ओल्ड करेंसी मिल जाए, क्योंकि वो पास्ट में चला जाता था अपनी करेंसी, अपनी इमेजिनेशन में, और पास्ट में पुरानी करेंसी चलती थी। तो वो दो टिकट लेना चाहता था, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। और चिल्ड्रन, ये सब कुछ हो रहा था उसकी इमेजिनेशन में। तो ये सब टाइम ट्रेवल के एग्जाम्पल हमने देखे। चलिए, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं।